Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. Bless you, Jesus. Bless you, King of Glory. Bless you, bless you, bless your name, Lord. Praise your name, Jesus. Hallelujah. Praise your name, Lord. Ed. I'm adding some of you to come on the screen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Prabhu, aapka dhanyavad ho. Stuti ho, Yeshu Masih. Hallelujah. Lord, we bless your name. We praise you, Lord Jesus. We praise you, Lord. We praise your name. Lord, we praise your name. Praise your name, Jesus. Still, it's kind of a difficult to add people so that they can share screen. It's really weird, really strange. Hallelujah. Thank you, Jesus. Prabhu, aapka dhanyavad karte hain, aapki stuti karte hain, Yeshu Masih, hallelujah. Prabhu ji, aapke naam ko hum uncha karte hain. Aayye, hum sab milke prarthna karein. Prabhu ji, hum aapki stuti gaane ke liye, aradhana karne ke liye, प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा करने के लिए हम आपके हजूर में आते हैं. प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं. प्रभु, आपके नाम की हम मदह सराही करते हैं, स्तुति करते हैं. प्रभु, हालेलुया. आप दया, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. प्रभु, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु, आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो. यीशु मसीह, आपकी महिमा हो. स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. हालेलुया. आइए सब मिलके प्रार्थना करें. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो. यीशु मसीह, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. यीशु मसीह, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं. प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम. लॉर्ड, वी ग्लोरिफाई योर नेम. लॉर्ड जीसस ऑफ नाज़रेथ, वी ग्लोरिफाई योर नेम. ग्लोरिफाई योर नेम. लॉर्ड, वी ग्लोरिफाई योर नेम. वी ग्लोरिफाई, ग्लोरिफाई, ग्लोरिफाई यू जीसस. वी ग्लोरिफाई यू जीसस. ग्लोरिफाई यू जीसस. ग्लोरिफाई यू. We glorify your name. Hallelujah. प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं. प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति करते हैं. प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं. आपके नाम को हम सजदा करते हैं. यीशु मसीह, आपके नाम की स्तुति करते हैं. Hallelujah. आइए हम सब मिलके प्रार्थना करें. परमेश्वर की एक दासी है, सुनीता कौर, इंग्लैंड में, और उनकी सेहत याबी के लिए सब मिलके प्रार्थना करें. खुदावन, हम आपकी दासी सुनीता कौर को आपके खून में छिपाते हैं, आपका लहू उसके जीवन पे छिड़कते हैं. प्रभु, वो आपकी खादिमा, आपकी बेटी है. खुदावन, अपना हाथ बढ़ा के उसे छुएं और मुकम्मल रीति से उसकी देह को चंगा करें. खुदावन, के लहू में प्रभु आपकी दासी के जीवन को हम छिपा देते हैं. लॉर्ड, वी ब्लेस यू. लॉर्ड, वी थैंक यू, लॉर्ड, दैट यू आर एबल टू डू एक्सीडिंगली एंड अबंडेंटली अबव ऑल that we can ask you, that we can imagine, Lord, that we can even anticipate according to the power of your Holy Spirit that worketh in us and worketh through us. Hallelujah. Prabhu, hum tere pavitra atma ki shashwat samarth ke liye dhanyavad dete hain. Ephesians 3 adhyay ke 20 vachan ke anusar, Prabhu, aapke pavitra atma ki adbhut samarth hamare mangne se aur hamare kalpana karne se kahin badhke kaam karti hai. Khudavand,
अपनी दासी पे अपना हाथ बढ़ा के रखें खुदावंद। हालेलुया, करुणामयी आप, यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से मैं कुछ बातें आपके साथ बांटूंगा, फिर हम और प्रार्थना ही करेंगे। मैं मनन कर रहा हूं अबाउट द एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी। अगर हम ग्रीक टेक्स्ट में देखेंगे एंटी क्राइस्ट मसीह की जगह में एक झूठे मसीह का आगमन, एक झूठे मसीह का आगमन। हालेलुया। तो मैं अध्ययन कर रहा हूं कि क्या वो निशान है, क्या वो चिन्ह है जो हमें इस ओर इशारा करेंगे कि वो आ रहा है जगत में। हालेलुया। जगत का यीशु मसीह ने कहा इस संसार का ईश्वर आता है, उसका मुझ में कुछ भी नहीं। यीशु मसीह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसी जुर्रत की कहने की कि इस जगत का सरदार आता है अर्थात शैतान, द एंटी क्राइस्ट, और उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। किसी और मनुष्य ने कभी यह दावा नहीं किया कि शैतान का कोई भी अंश मेरे अंदर नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह ने यह दावा किया कि इस जगत का सरदार आता है लेकिन उसका मुझ में कुछ नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से हम पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे निशान हैं, जो साइंस हैं, जो हमारी आंखों के आगे प्रकट हो रहे हैं। जैसे पूरे विश्व में फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है, बड़ी बड़ी नेशंस, जो राष्ट्र, जो देश पैसे के मामले में बड़े धनी थे, वो देश भी ग्लोबल डेट के नीचे जा रहे हैं। ग्लोबल डेट, पूरे विश्व के राष्ट्रों के ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, और पूरे विश्व के अंदर एनवायरनमेंटल चेंज आ रही है। एनवायरन्स बदल रहे हैं, एनवायरनमेंट तब्दील होता जा रहा है, मौसम बदल रहे हैं, अजीबोगरीब तरह के मौसम पृथ्वी पे आ रहे हैं। वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि सूर्य पे सोलर फ्लेयर हो रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कुछ एस्ट्रॉन मीट्रियॉइड आ चुके हैं उनकी परिक्रमा में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बातें मत्ती रची सुसमाचार के 24 अध्याय में अपने ऑलिवेट डिस्कोर्स में, जब यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश के तारे टूट के गिरेंगे, वहां पे ग्रीक वर्ड है एस्ट्रॉन, जिसका मतलब है एस्ट्रॉयड, मीट्रियोइड्स, मीट्रियोटिक शावर्स होंगी। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि इसी मंथ में, सितंबर में, सितंबर के थर्ड वीक में एस्ट्रॉयड्स छोटे छोटे फ्रैगमेंट में नीचे गिर सकते हैं, पैसिफिक ओशन के पास या पृथ्वी के कुछ और एरियाज में गिर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एस्ट्रॉइड्स की वजह से मीट्रियोटिक शावर की वजह से हो सकता है पृथ्वी के इलेक्ट्रिक ग्रिड फेल हो और पृथ्वी पे अंधेरा छाए, ये भी प्रिडिक्शन है। पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के चरित्र में चेंजेस आ रही हैं। आपको मालूम पिछली तीन डेकेड के अंदर, लगभग थ्री डेकेड्स के अंदर संसार की मोरालिटी चेंज हो गई, नैतिक परिभाषा चेंज हो गई विश्व की। अब विश्व के अंदर एलजीबीटीक्यू, लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर्स, आपको मालूम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 32 या 33 सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हैं। वो उन्हें सेक्सुअल प्रेफरेंसेस कहते हैं। जैसे हमारे देश में अगर आप कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें दो या तीन कॉलम होते हैं,
एक में लिखा होता आर यू मेल आर यू फीमेल, आप स्त्री हो या पुरुष हो, और एक कॉलम होता है जिसमें लिखा होता अदर्स। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो फॉर्म अब आ रहे हैं उसके अंदर 33 कॉलम है, आर यू मेल आर यू फीमेल, आर यू बायोसेक्सुअल, आर यू हेट्रोसेक्सुअल, आर यू पेडोफाइल, आपकी कौन सी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। और आपको मालूम विश्व के कई देशों में इंक्लूडिंग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप के कई कंट्रियों में जो ये लोग हैं जो लिस्बियन हैं, स्त्रियां स्त्रियों के संग संबंध रखती हैं, जो गे हैं एलजी गे पुरुष पुरुष के साथ संबंध रखते हैं, जो बायोसेक्सुअल हैं, जो जो ट्रांससेक्सुअल हैं, जो हिट्रोसेक्सुअल हैं, जो पेडोफाइल्स हैं, पेडोफाइल आप जानते हैं, पेडोफाइल वो लोग हैं जो छोटे बच्चों के साथ संबंध बनाते हैं। आप हैरान होंगे कि कैलिफोर्निया में लेजिस्लेशन आ रही है कि पेडोफीलिया इज अनदर सेक्सुअल प्रेफरेंस, इट इज ओके टू हैव सेक्स विद चिल्ड्रन। ये कैलिफोर्निया के संसद में बिल पास हो रहा है। पेडोफीलिया आपको मालूम कितना डिमोनिक है, छोटे ये जो इलीट लोग हैं, ग्लोबलिस्ट हैं, जो डार्क कल्ट के लोग हैं, छोटे बच्चों के साथ संबंध बना के छोटे बच्चों की इनोसेंट एनर्जी को खींचते हैं ये लोग। इतनी ज्यादा गंदगी विश्व में भरती जा रही है। और आपको मालूम हमारे देश में, मैं कोई सर्वे पढ़ रहा था, वो बता रहे थे कि 10% पुरुष गे हैं, 8 से 10%। आपको मालूम कितने हैं वो, 12-14 करोड़ के करीब। और स्त्रियां भी लेस्बियन हैं, और लेस्बियन होमोसेक्सुअल ट्रेंड बढ़ता जा रहा है हमारे देश में। लिव इन रिलेशनशिप बिना शादी के, शादी की जरूरत नहीं लोगों को। सेक्सुअलिटी एक मियर प्लेजर है, एक हॉबी है लोगों के लिए। और आपका मालूम अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में लॉज बनाए जा रहे हैं ताकि एलजीबीटीक्यू को, लेस्बियन होमोसेक्सुअल गे ट्रांसजेंडर बायोसेक्सुअल हेटरोसेक्सुअल, ऐसी दर्जनों ऐसी परिभाषाएं हैं, इनको लोग कानूनी मान्यता देना चाहते हैं। जो लेस्बियन हैं, स्त्रियां स्त्रियों के संग संबंध रखने वाले, पुरुष पुरुषों के संग, यहां तक कि जानवरों के संग संबंध रखने वाले, बच्चों के संग संबंध रखने वाले, बायोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर है हेटरोसेक्सुअल, ये सभी लोग मान्यता चाह रहे हैं कि समाज हमें सम्मान की नजर से देखे। और आपको मालूम कनाडा के अंदर ये बात उठाई गई कि बाइबल के अंदर जो ऐसे सेगमेंट हैं जो होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बोलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सादम एंड गोमोरा का पूरी वार्ता, आपको मालूम सादम एंड गोमोरा में इतनी परवर्जन थी कि वो एंजल्स के संग भी सेक्स करना चाहते थे। दे अंडरस्टूड दैट दे वर सेलेशियल बीइंग, दो एंजल जो लूत को बचाने के लिए गए, लेकिन वहां के लोग इतने परवर्ट थे। आपको मालूम सादम एंड गोमोरा एक ऐसा कल्चर है, एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसे परमेश्वर ने नाश किया बिना वार्निंग के। सबको परमेश्वर वार्निंग देता है, पहले अपना कलाम भेजता है, नबियों को भेजता है, फिर उन्हें नाश करता है। लेकिन सादम एंड गोमोरा को ही रेन डाउन सल्फर एंड फायर फ्रॉम हेवन, ही डेसिमेटेड देम। आपको मालूम वो सिविलाइजेशन कहाँ थी, अगर आप इसराइल में जाएंगे वहां पे डेड सी है, मृतक सागर, मृतक सागर के साउथ में है वो जगह बदरुओं का गढ़ है। बाइबल में लिखा वैली ऑफ द डेड, वैली ऑफ द रफाइम लिखा है नबियों की किताबों में, बदरुओं की वैली बन गया वो, तराई बन गया। और शैतानी आत्माएं वहां से गुजरती हैं। दिस इज व्हाट इज रिटन इन आइजाया एंड इन अदर माइनर प्रॉफिट्स। तो पृथ्वी में ये बढ़ रहा है एलजीबीटीक्यू, अब लोग सम्मान चाहते हैं। अभी पेरेंट्स खुशी से बता रहे हैं, जो कल्चर्ड लोग हैं, बहुत इलीट्स हैं और सिविलाइज्ड समझते हैं, कि वो बताना चाहते हैं कि उनका बेटा अगर गे है तो दिस इज ओके, अगर उनकी लड़की लेस्बियन है तो दिस इज ओके। परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर अपने कलाम में बताता है दिस इज एन अबॉमिनेशन, ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। सदोम और गोमोरा को उसने नाश किया। और रोमियो की पत्री पहला अध्याय पढ़े, उसने मनुष्य की परवर्जन के कारण
उन्हें त्याग दिया। वचन में लिखा है रोमियों की पत्री 1 अध्याय के 18 वचन से पढ़िए कि परमेश्वर ने त्याग दिया था कि वो अपने शरीरों को गंदा करें, पल्यूट करें हर तरह की गंदगी के द्वारा, विद एवरी काइंड ऑफ ईवल वाइसेस एंड एवरी काइंड ऑफ सेक्शुअल ओरिएंटेशन दे में पल्यूट देयर बॉडीज। हम देख रहे हैं भाई और बहनों, इंटरनेट इज प्लेइंग ट्रिक्स। और आपको मालूम इन लोगों की गिनती विश्व में बढ़ती जा रही है, पूरे विश्व में ऐसे लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है। आपको मालूम अबॉर्शन कितने बढ़ रहे हैं विश्व के अंदर। अबॉर्शन को परमेश्वर हेट करता है। डू यू नो दैट बाइबल में मोलक वर्शिप का जिक्र है। मोलक एक देवता था जिसे की मौश भी कहा दूसरे कल्चर में। मोलक देवता की एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई यरूशलम में, बहुत बड़ी प्रतिमा, और उसके हाथ बहुत बड़ी ह्यूज स्टैचू बनाया गया, मेटल का, पूरी मेटल का बना था वो देवता। और उस देवते के ऐसे हाथ फैले हुए थे इस तरह आगे, और उसके हाथ बीच में से हॉलो थे, और बहुत ऊंचा था वो देवता। उसका जो पेट था उसमें एक भट्टी जलती थी, अवन जलती थी, बहुत प्रचंड आग जलाते थे। और उसके हाथों में लोग अपना बच्चा रखते थे और उसको, वो बच्चा ऐसे स्लाइड होके नीचे चला जाता था आग में और जलता था और जल के मर जाता था। लोग मोलक देवता को अपना बच्चा चढ़ाते थे। यहोवा इससे घृणा करता था, यहोवा परमेश्वर। आपको मालूम अबॉर्शन का देवता है मोलक, जो लोगों के बच्चे खाता है। बाइबल में एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, यशायाह नबी की किताब में यशायाह नबी उसे लिलीथ का रूह कहता है। एक ऐसी बदरू है, फीमेल एंटिटी, लिलीथ का रूह, जो बच्चों को खाती है, प्रेगनेंसी के दौरान खा जाती है और बच्चों को अबॉर्ट करती है, ये गंदी रूह। तो मोलक की वर्शिप, अबॉर्शंस कितने जगत में बढ़ते जाते हैं। अमेरिका में अभी नॉन थेरापूटिक अबॉर्शंस के विषय में बात की जा रही है, फुल टर्म बेबीज को अबॉर्ट किया जाए। कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, जो लिबरल स्टेट्स हैं अमेरिका में, उनके अंदर ऐसे काम किए जा रहे हैं। भाई और बहनों, विश्व के विकसित देशों के अंदर ये गंदे और घिनौने काम किए जा रहे हैं। अबॉर्शन एक इंडस्ट्री है। बच्चों को माँ की कोख से मार के निकाला जाता है, उनकी पूरी बॉडी को यूज किया जाता है, उनके ऑर्गन यूज किए जाते हैं, उनके टिश्यूज निकाल के यूज किए जाते हैं। इट इज अ बिग फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल माफिया दैट इज रूलिंग द वर्ल्ड। जगत के अंदर शैतान इस तरह अपने अपने अपनी बाहें पसार रहा है। हालेलुया। अबॉर्शन इंडस्ट्री असल में एक माफिया है, ह्यूज माफिया। हालेलुया। पेडोफिलिया के विषय में मैंने आपको बताया, पेडोफिलिया का मतलब बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाना। आपको मालूम, मैं पढ़ रहा था अभी कि यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ स्टेट्स के अंदर ये मैंडेटोरी कर दिया गया है कि बच्चों को ऐसा सिलेबस पढ़ाया, जो जो लिबरल स्टेट्स हैं। ब्रिटेन में भी मैंने सुना ये लीगलाइज कर दिया गया है कि बच्चों को पेडोफीलिया, चाइल्ड सेक्स के विषय में उनके करिकुलम में इंक्लूड किया जाए ये बातें। तो भाई और बहनों, सरकारें ऐसी हैं, सरकारों के अगुवे ऐसे हैं, और चारों ओर चीजें दी जा रही है। ये अंत के दिनों में आप ऐसी ऐसी अजीब बातें देख रहे हो, अजीब बातें। पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब समझते हैं आप? पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब है ट्रूथ इज रिलेटिव। जो है वो होमोसेक्सुअल्स को, लिस्बियन को, गे को एक्सेप्ट करती हैं। अमेरिका के बड़े बड़े प्रीचर गिर रहे हैं, बड़े बड़े प्रचारक, उनकी डॉक्ट्रिन, उनकी थियोलॉजी, शैतान उसे करप्ट कर रहा है। बहुत बड़ी बड़ी जो चर्चेज हैं वो सीकर सेंसिटिव हैं। उन चर्चेज के अंदर वो जजमेंट के ऊपर प्रीच नहीं करते, परमेश्वर के न्याय के ऊपर प्रचार नहीं किया जाता। दुआ करो ये प्रचार नहीं किया जाता, आपके ऊपर प्रचार नहीं है। पवित्र जीवन जीना है, क्रूस उठा के चलना है, शरीर शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ाना है,
अपने आप का इनकार करना है, तंग मार्ग से प्रवेश करना है, ये प्रचार नहीं किया जाता वहां पे। सीकर सेंसिटिव चर्चेस वो हैं जो ये बिलीव करती हैं कि लोगों को प्यार करो, लोगों को प्यार से खींच के ले आओ, लोगों को अनकंफर्टेबल मत करो, उनको मेक देम फील कंफर्टेबल इन द चर्च। वो अपना उनका एजेंडा क्या है, हमारी चर्च की अटेंडेंस ग्रो करनी चाहिए, हमारी कलीसिया में 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोग आने चाहिए, हम बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स बनाएं, बहुत फैसिलिटी वाली रिक्लाइनिंग चेयर लोगों को दें, एंटरटेनमेंट की हर एक चीज चर्च के अंदर होनी चाहिए, जो म्यूजिक है वो कंटेम्प्रेरी हो, रॉक म्यूजिक से, पॉप म्यूजिक से, हैवी मेटल, जैज, ये संसार का जो म्यूजिक है बिल्कुल उसकी तर्ज पे, उसकी कॉपी पे म्यूजिक बनाया जाए चर्च के अंदर, और ऐसे वर्शिप लीडर लिए जाए। आपको मालूम चर्चेस के अंदर बड़ी बड़ी कई चर्चेस के अंदर तो क्रिस्टल बॉल्स हैं जो डिस्को में लगती हैं, पब्स में, डिस्कोथेक में लगती हैं, और फॉग मशीन्स होती हैं वहां पे, वहां पे तरह तरह की ब्राइट लाइट्स फेंकी जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे बॉलीवुड का या हॉलीवुड का कोई बहुत भव्य प्रोग्राम हो रहा हो, और वहां पे खुदा के खादिम सेलिब्रिटियों की तरह, फिल्म स्टार्स की तरह दिखाई देते हैं, और वहां पे बहुत अच्छा वो बातें लोगों को पेश सुनाती हैं। आपको बताया जिर्मिया नबी के ऊपर मैं प्रचार कर रहा था एक दिन, कि परमेश्वर जिर्मिया से कहता है डोंट इवन प्रे फॉर देम, इफ यू प्रे आई विल नॉट लिसन टू योर प्रेयर। द लोर्ड वॉज टेलिंग जरमाया दीज पीपल हैव क्रॉस द लाइन, नाउ दे कैन नॉट रिटर्न टू मी, आई हैव टू गिव देम इन टू द हैंड्स ऑफ द बीस्ट। बीस्ट जो है भाई और बहनों अंत में पकड़ के ले जाता है, पहले प्रभु सजा भेजता है सोड की, तलवार की, फिर प्रभु सजा भेजता है अकाल की, फिर प्रभु सजा भेजता है पेस्टिलेंस की, जो अभी चल रही है पृथ्वी पे, सोड, फैमिन एंड पेस्टिलेंस, तलवार, अकाल और मरी, तीन। प्रभु कहता है अगर इनसे भी तुम बाज नहीं आए तो मैं बीस्ट को भेजूंगा, जंतु को। ये बीस्ट आपको मालूम कौन है? ये बीस्ट है वर्ल्ड का पॉलिटिकली, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस रूलिंग सिस्टम जो लोगों को गुलाम बना रहा है। परमेश्वर की प्रजा को बार बार सजा मिली, बार बार बंधुआई में गए। आपको मालूम कौन बंधुआई में लेके जाता? यहोवा अपनी करुणा का हाथ हटा लेता था तो बीस्ट लेके जाता था। बीस्ट भाई और बहनों, अय्यूब जब इतने बड़े सताव में गया, मैंने आपको वचन दिया अय्यूब के जीवन पे 4 घंटे की शिक्षा, एक है 3 घंटे की शिक्षा, एक हमने पहले ली थी प्राइड के ऊपर, घमंड के ऊपर, अगर आपको याद हो। अय्यूब के जीवन में इतना जबरदस्त ट्रायल आया, अय्यूब ये सोचता था यहोवा ने भेजा है, क्योंकि अय्यूब ये कहता था यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम मुबारक हो। अय्यूब देख नहीं पा रहा था, उस समय की दुनिया में शैतान के विषय में ज्यादा रोशनी नहीं थी संतों के पास। हालेलुया, वो लोग यही मानते थे तेरा पाना मीठा लागे वाली बात, कि सब प्रभु ही कर रहा है। हालेलुया, तो प्रभु क्या करता है? प्रभु प्रकट होता है 38 चैप्टर अय्यूब की पुस्तक में, और प्रभु अय्यूब से बातें करता है, फिर बड़ी खास बातें प्रभु बताता है अय्यूब को। अय्यूब 41 चैप्टर एंड 42 चैप्टर, अय्यूब की पुस्तक 41 अध्याय और 42 अध्याय, परमेश्वर अय्यूब को बताता है कि एक 7 सिर वाला सांप है, एक बहुत बड़ा स्नेक है जिसके 7 सिर हैं, और वो बहुत बड़ा है, और वो पानियों में रहता है। प्रभु लिवायथन की बात बता रहा है, क्यों बता रहा है लिवायथन की बात अय्यूब को? लिवायथन वो बीस्ट है, वो बड़ा अजगर 7 सिर वाला, वो शैतान है। वो क्या करता है? जब परमेश्वर उसे रिलीज करता है, वो लोगों को कैद में डालता है, पिंजरे में डाल देता है, बांध देता है जंजीरों से। अय्यूब को उसने कैद में डाला। अगर आप पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 42 चैप्टर और 10th वर्स, अय्यूब 42:10, तो ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा है द लॉर्ड रिटर्न्ड द कैप्टिविटी ऑफ जोब, प्रभु अय्यूब की बंधुआई को प्रभु ने तोड़ दिया। अय्यूब लिवायथन की कैद में था, उस पे जो ट्रायल था लिवायथन ने उसे पकड़ा था, उसे छोड़ा। सिस्टम है पूरे संसार को, ये इज़राइल को डालता था एग्जाइल में, असीरी में,
दूसरे देशों में ले जाता था, बाबुल में, मीड्स में, पर्शिया में, परमेश्वर इन्हें सजा देता था। परमेश्वर की सजा कलीसिया के लिए भी है, भूलिएगा मत। उन झूठे नबियों से धोखा मत खाइए जो मीठी मीठी भविष्यवाणियां करते हैं। उन्होंने 2019 में भी ये भविष्यवाणियां की। देख लीजिए झूठे नबियों की, आप सोशल मीडिया पर जाके देखिए, दिसंबर में भविष्यवाणी करते थे 2020 इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ परफेक्ट विजन, 2020 इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ ग्रेट ब्लेसिंग, 2020 इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ सुपर नेचुरल ब्रेक थ्रू, 2020 इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ सुपर नेचुरल रेन, 2020 इज गोइंग टू बी अ ईयर टू रियलाइज योर ड्रीम्स। ऐसी कैची स्लोगन अमेरिका के प्रीचरों के उठाते हैं या अफ्रीका के प्रीचरों के उठाते हैं और डाल चेपते थे फेसबुक पे, ट्विटर पे। वो झूठे थे सब। किसी को यहोवा ने बताया नहीं कि पृथ्वी पे वायरस आ रहा है। वचन में लिखा है आमोस 3:7 में, यहोवा कहता है मैं अपने नबियों से कंसल्ट किए बगैर कोई काम ही नहीं करता। तो अगर उसके सच्चे नबी होते, सच्चे प्रेरित होते, सच्चे दास होते, तो वो अवश्य बताता। इन झूठे पापाओं ने, डैडियों ने कोरोना को तो मारा भी है, जूते भी मारे हैं। अमेरिका में केनस कोपलैंड कईयों ने मिलकर डिक्रीज पास की कोरोना वायरस को मारने की, सुनी नहीं गई उनकी, स्वर्ग में नहीं सुनी गई, क्योंकि ये यहोवा की ओर से आया है। ये दंड यहोवा की ओर से आया है ताकि पृथ्वी की जातियां, पृथ्वी के लोग यहोवा परमेश्वर की ओर मुड़े। आपको मालूम, अमेरिका ने कंटेम्प्रेरी गॉस्पल प्रीच किया जो कल्चरली रेलेवेंट है, जो आज के कल्चर के अनुसार रेलेवेंट है, उसको ट्विस्ट किया, तोड़ा कलाम को, वॉटर डाउन किया गॉस्पल को। वो परमेश्वर की पवित्रता ही प्रचार नहीं करते कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, वो पवित्र जीवन चाहता है, वो धार्मिकता का जीवन चाहता है, वो चाहता है क्रूस उठा के सकरे मार्ग से चले, ये प्रीच नहीं किया उन्होंने। उन्होंने प्रीच किया सुपर डुपर बंपर प्रॉस्पेरिटी। आप प्रभु के पीछे चलो, परमेश्वर आपको प्रॉस्पर करेगा। आपको गाड़ी चाहिए, बी स्पेसिफिक, बताएं कौन सी चाहिए। मार्टिन चाहिए, मासेराटी चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, ऑडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, बेंटले चाहिए, रॉयल रोल्स चाहिए। उसकी तस्वीर लगाइए अपने बेडरूम में, सुबह देखिए, शाम को देखिए, कीप कन्फेसिंग। अपने लाउंज में लगाइए, लिविंग रूम में, किचन में लगाइए, इवन अपने बाथरूम में पिक्चर लगाइए जो आपको चाहिए। आपको बीवी चाहिए, कैसी चाहिए, उसके फीचर बताइए। कैसे परमेश्वर के कलाम को डिस्टॉर्ट किया इन लोगों ने। ये नहीं सिखाया कि अपने घर में कलाम लिख के लगाइए, बेडरूम में लगाइए, लिविंग रूम में लगाइए, बाथरूम में लगाइए, वचन पे मनन कीजिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली रिंकल गाबा जी, देवर अमेरिका के कई फेमस प्रीचर, मोटिवेशनल प्रीचर प्योरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रीच करते हैं। वो लाल किताब जो है ना, उसमें से प्रीच करते हैं। दे प्रीच फ्रॉम द रेड बुक। वो साइकोलॉजी प्रीच करते हैं। दे टॉक वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, वर्ड ऑफ गॉड की छोटी सी आयत कोट करते हैं। यीशु मसीह फुटनोट है, सिर्फ फुटनोट। एस्ट्रिक मार्क देखा है, छोटा सा होता जो, यीशु मसीह एस्ट्रिक मार्क है। ये कलाम का सॉलिड मीट नहीं है उनके पास, दे डोंट टीच इट। मैंने अमेरिका के बहुत सारे प्रीचरों को करप्ट होते, गिरते हुए अपनी आंख से देखा। मुझे परमेश्वर ने एक डेकेड पहले कई प्रीचरों के विषय में बताया कि ये हेरेटिकल है, इनकी टीचिंग फॉल्स है। या वर्ल्ड फेथ मूवमेंट, अभी अपोस्टोलिक रेफॉर्मेशन जो कैलिफोर्निया में आई, फॉल्स फ्लैग, झूठे झंडे खड़े कर रहे हैं अमेरिका में। बेदारी के कई प्रीचर टॉड बेंटली जैसे खड़े हुए, बैम बैम बैम, और कैलिफोर्निया के अंदर ये अपोस्टोलिक रेफॉर्मेशन। फिर डोमिनियन थियोलॉजी आई, जिसने टीच किया कि कलीसिया जो है पूरी राज करेगी। उन्होंने क्या सिखाया, 7 माउंटेन्स हैं। लिखा है कि वो औरत जो है वेश्या 7 पहाड़ों पर खड़ी है, जो लोग बताते हैं कि वैटिकन है, 7 माउंटेन्स पे बना हुआ है। लेकिन डोमिनियन थियोलॉजी ने कैसे लिया कि ये 7 माउंटेन्स क्या हैं? 7 माउंटेन्स इंसानी जीवन के 7 डिमेंशंस हैं, जैसे एजुकेशन, और दूसरा बिजनेस एंड मार्केटिंग, तीसरा जर्नलिज्म, चौथा पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स, और पांचवा साइंस एंड मेडिसिन,
छठा फैमिली, ऐसे सात माउंटेन्स उन्होंने लिए। तो उन्होंने ये टीच किया कि यीशु मसीह की आमद से पहले कलीसिया पूरी दुनिया पर राज करेगी। जीसस नेवर टॉट दैट। कैसे कलाम को तोड़ते हैं और मरोड़ते हैं। प्रॉस्पेरिटी कल्ट कैसे बनाया गया, सो करने की सारी आयतों को निकाला गया। हर एक आयत को वचन में लिखा है, वो जो आंसुओं से बोते हैं जयकारों से काटेंगे। उस वचन का ताल्लुक है इज़राइल के साथ, जब इज़राइल गुलामी में असीरी में है, वो आंसुओं से प्रार्थना कर रहे हैं और वो जयकारों से काटेंगे अपनी आजादी। लेकिन वो क्या सो करते हैं, पैसा बीजो। पैसा बोना भी बोना है, लेकिन पैसे के बोने से उत्तम कई बोने हैं। जीवन बोना, अपना आत्मा दे प्राण प्रभु के राज्य में बोना, अपना प्रेम प्रभु के लिए बोना, अपना समय प्रभु के लिए बोना, अपने रिसोर्सेस को प्रभु के लिए बोना, बाद बहुत सारी और चीजें हैं जो बोने वाली हैं। तो भाई और बहनों, लूसीफेरियन एक डॉक्ट्रिन है, लूसीफेरियन डॉक्ट्रिन। अफ्रीका के कई प्रीचर वो लूसीफेरियन डॉक्ट्रिन प्रीच करते हैं, जिसे पंजाब के पादरी लोग करते हैं। बहुत डिसेप्टिव है। आपको मालूम, मैंने टीच किया फॉल्स टीचिंग के ऊपर, आपको थोड़ा ही पहले वो वीडियो मिल जाएंगे, पढ़िए। द डास्कलिया डियमोनियन उसका टाइटल है, द डास्कलिया डायमोनियन, द डॉक्ट्रिन ऑफ द डीमंस। संत पलूस तिमोथियस को लिखता है, दे विल प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ द डीमंस। वो बदरूहों की तालीम लोगों को सिखाएंगे अंत के दिनों में। भाई और बहनों, ये लास्ट डेज हैं, सर्टनली लास्ट डेज हैं। अगर हम आज से 80 साल पहले पैदा हुए होते, ये समय 80 ईयर्स पहले होता, तो बातें बहुत अलग होती। आपको मालूम, इसराइल का राष्ट्र बनना, 14 मई 1948 को इसराइल देश बना, 2600 साल की असीरी टूटी। परमेश्वर ने 2600 साल की सजा दी थी। प्रभु ने कहा 70 गुना 7, 70 साल के लिए असीरी में भेजा। प्रभु ने कहा मैं 7 गुना मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर 7 गुना मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर 7 गुना मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये आपको 26 अध्याय लेविटिकस में मिल जाएगा। उनको 7 गुना 7 गुना 7 गुना करके मल्टीप्लाई की सजा, क्योंकि इसराइल के 10 जो गोत्र थे, इसराइल में 10 ट्राइब्स रहते थे, नेवर टू गॉड। 1948 को ये अपने देश आए। परमेश्वर, मैं इस पे पूरी मैंने कैलकुलेशन की हुई है, एक सेशन में मैं आपको पूरी डेट्स कैलकुलेट करके बताऊंगा, एक एक डेट को कैलकुलेट करके। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे मॉनिटर्स मिल जाएं, स्क्रीन मॉनिटर मिल जाएं, कंप्यूटर और कुछ बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले, ताकि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर पूरी टीचिंग दिया करूंगा। हिब्रू के वर्ड्स, ग्रीक के वर्ड्स, फिर मैं आपको साइंस, साइंटिफिक फैक्ट दिखाया करूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, फिर मैं आपको आर्कियोलॉजी दिखाया करूंगा, एंथ्रोपोलॉजी दिखाया करूंगा। परमेश्वर के कलाम को हर एक चीज के साथ स्क्रीन के ऊपर, बहुत अद्भुत शिक्षा होगी। बहुत अद्भुत डिपॉजिट किया है मेरे अंदर यहोवा परमेश्वर ने, जो आने वाले समय में जैसे हमें रिसोर्सेज मिलेंगे, हम उन सब चीजों को, हिब्रू, ग्रीक वर्ड, एटमोलॉजिकल स्टडी, फिर हिस्टोरिकल स्टडी, अर्ली चर्च फादर्स की टीचिंग क्या है, अलग अलग स्क्रोल्स कौन कौन से हैं, टेक्स्टस रिसेप्टस क्या है, वल्गेट क्या है, लैटिन ट्रांसलेशन क्या है, कोई ने ग्रीक ट्रांसलेशन क्या है, हिब्रू टेक्स्ट क्या है, कुमरान के स्क्रोल क्या है, एसीन्स के द्वारा लिखे स्क्रोल्स क्या है, हिस्टोरिक आके ये चीजें हम परमेश्वर के कलाम से आने वाले समय में सीखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली एक्साइटिंग टू स्टडी द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के कलाम का अध्ययन करना। 80 साल पहले लोगों को मालूम नहीं था एंड डेज कैसे ट्रांसपायर करेगा। जब इसराइल देश बना, प्रभु ने भविष्यवाणी की थी, एक दिन में एक देश मैं पैदा करूंगा। प्रभु पूछता है यशायाह के द्वारा, कैन अ नेशन बी बॉर्न इन अ सिंगल डे, क्या एक देश एक दिन में पैदा हो सकता है? सर्टनली नॉट। एक परिवार को बनने के लिए समय लगता है, एक फैमिली को बनने के लिए समय लगता है, एक 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 फैमिली के बाद एक फैमिली ट्री बनने के लिए समय लगता है, फिर एक सोसाइटी बनने के लिए समय लगता है। परमेश्वर कहता है मैं देश को आई एक दिन में देश पैदा करूंगा, अ नेशन विल बी बॉर्न इन अ सिंगल डे। आपको मालूम, हेनरी ट्रूमन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, और विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के लीडर,
इन दोनों ने 13 मई 1948 को फोन पे कन्वर्सेशन किया, और बेल्फर ट्रीटी खत्म हो रही थी, लॉर्ड बेल्फर की जो ट्रीटी थी, जिस ट्रीटी के द्वारा यरूशलम इज़राइल जो था वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन गया था, इंग्लैंड ने ओवरटेक कर लिया था, उन्होंने टर्क से मुस्लिम लोगों से वापस ले लिया था इज़राइल को, और इज़राइल जो था कॉमनवेल्थ का हिस्सा था। बेल्फर ट्रीटी जब एंड हो रही थी तो जो हेनरी ट्रूमन थे वो बाइबल पढ़ते थे, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्हें मालूम था, और परमेश्वर के हाथ में उस बंदे को छुआ, उस प्रेसिडेंट को, विंस्टन चर्चिल को। इन्होंने विश्व के नेताओं से फोन पे बात की रात ही रात। आपको मालूम, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से भी बात की। उस समय इंडिया को आजाद हुए 1 साल के करीब हो चुका था। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हिस्ट्री के आर्काइव चेक कीजिएगा, हिस्टोरिकल आर्काइव। जब उन्होंने कहा कि इसराइल को स्टेटस मिले नेशनहुड का, स्टेट का, आपकी इसमें कंसेंट है या नहीं, वुड यू गिव योर वोट, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मना किया। आपको मालूम, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इसराइल विरोधी थी। कांग्रेस शुरू से इसराइल विरोधी रही है, पढ़ लीजिए हिस्ट्री। हमारे देश की सबसे शक्तिशाली जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी, वो इसराइल विरोधी थी। उन्होंने यासिर अराफात को, जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट था, इसराइल विरोधी, वो मारना चाहते हैं, जूस को मारना चाहते हैं, जो इसराइल को धकेल देना चाहते हैं मेडिटेरेनियन सी में, इसराइल के लिए श्राप चांट करते हैं सुबह उठ के, डेथ टू अमेरिका, डेथ डेथ टू इसराइल। इंदिरा जी ने उन्हें अपना भाई बनाया था, वो इंदिरा गांधी से राखी बंधवाता था। देखिए इस वचन में प्रभु की वाचा क्या कहता है, यहोवा, यहोवा कहता है, जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देंगे उन्हें मैं श्राप दूंगा। मैं किसी समय आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा इसराइल की, कौन कौन से देश इसराइल के विरुद्ध खड़े हुए और कैसे उनका बैंड बज गया, वो नाश हो गए, और कौन कौन से देश इसराइल के लिए खड़े हुए, कैसे यहोवा ने उन्हें आशीषित किया, जिनकी सबसे बड़ी मिसाल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना पुराना देश नहीं है, कुछ 100 सालों में दुनिया की विश्व पावर बना, क्योंकि अमेरिका मोस्टली इसराइल के संग खड़ा हुआ। अमेरिका के 90% प्रेसिडेंट्स प्रो इसराइल थे, इसराइल के लिए खड़े हुए। मैं किसी समय आपको पूरी टीचिंग दूंगा, मॉडर्न टीचिंग और एंशियंट टीचिंग, क्या जिनका जिक्र बाइबल में है वो आज है नहीं, एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि वो इसराइल का विरोध करती थी। देखिए कांग्रेस पार्टी की दशा, इंदिरा जी इसराइल के संग खड़ी नहीं हुई, और देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी, हम मसीहियों के तो विरुद्ध में हैं लेकिन इसराइल से हैंड इन ग्लव हैं। प्रभु ने कहा जो तुझे आशीष देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा। अगर आपको मालूम, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, इसराइल के संग बहुत जबरदस्त इनके संबंध थे। गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसराइली साइंटिस्टों का योगदान है, गुजरात के अंदर जो रोड नेटवर्क है उसके अंदर इसराइली इंजीनियरिंग का योगदान है। अगर आप गुजरात की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के विषय में अध्ययन करेंगे, बहुत बढ़िया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री गुजरात में, उसके अंदर इजरायली साइंटिस्टों का बहुत बड़ा योगदान है। गुजरात के अंदर प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर, प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर क्या है कि हमारे देश की जो सॉयल है उसकी फर्टिलिटी ने गुजरात की सरकार के कहने पे गुजरात की जमीन को दोबारा फर्टिलाइज किया है, फर्टिलाइजर के द्वारा नहीं, टेक्नोलॉजी के द्वारा, कि पृथ्वी फिर से जरखेज हो, पृथ्वी उपजाऊ बने। और प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर क्या है कि कैसे तीन तीन फसलें एक साल में आप ले सकते हो, पृथ्वी की एकोलॉजिकल बैलेंस को मैसअप किए बगैर। ये सब कुछ भाई और बहनों इसराइल ने विश्व को सिखाया। आपको मालूम, नियरली 65% नोबल प्राइज इसराइली
साइंटिस्टों ने, इजरायली एस्ट्रोनोमरों ने, इजरायली क्वांटम फिजिसिस्टों ने, इजरायली इंजीनियर्स ने, इजरायली डॉक्टर्स ने, इजरायली हर एक मरहले में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक डिमेंशन में इजरायली लोगों ने जीते हैं। हालेलुया। देश में पॉलिटिकल पैराडिगम समझिए कैसे यहोवा परमेश्वर की वाचा काम करती है। जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देंगे उन्हें मैं श्राप दूंगा। आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की कि यरूशलम पांव के नीचे कुचला जाएगा जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो। आपको मालूम कब यह समय पूरा हुआ? यह समय पूरा हुआ 1967 में, 1967 में। असल में इसराइलियों ने पूरे इसराइल पे कब्जा किया 6 डेज वॉर के बाद। इसराइल की वॉरों के ऊपर कभी हम अध्ययन करेंगे, एक्साइटिंग है। आपको मालूम इसराइल जब देश बना उसके ऊपर बहुत सारे मुस्लिम देशों ने मिलके अटैक कर दिया। आपको मालूम इसराइल के पास असला असला नहीं था, आर्मी भी नहीं थी। आपको मालूम क्या हुआ? यहोवा परमेश्वर ने शहद की मक्खियां भेजी, शहद की मक्खियों के झुंड आए और दुश्मनों के फौजियों को काट खाया और वो भाग खड़े हुए। मोशे डायन का अध्ययन कीजिए, जो इजरायली बाद में इजरायली फौजों का जो था मुखिया बना। वो जो 6 डेज वॉर के अंदर मोशे डायन 250 फौजियों को लेके घिर गया, बहुत बड़ी फौज के सामने घिर गया वो। 250,000 ऑफ सोल्जर्स के। आपको मालूम क्या हुआ? उन्होंने अपने घुटने टेके, सामने से फौजें आ रही थी, तो उस लीडर ने कहा अब हम एक ही काम कर सकते हैं, हम इब्राहिम इसहाक याकूब हमारे पुरखों के परमेश्वर को याद करें। उन्होंने घुटने टेके सैंड में और प्रार्थना करनी शुरू की। आपको मालूम क्या हुआ? नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या थी कि 10,000 सोल्जर जो थे दुश्मनों के, उनकी गर्दनें उनके धड़ों से बहुत दूर मिली जाके। एक माइटी एंजल आया, मोशे डायन ने देखा है कि एंजल खड़ा है, उसके हाथ में एक लेजर बीम जैसी तलवार है। उसने ऐसे तलवार घुमाई और सब फौजियों के सर धड़ से अलग हो गए। एक बार यहोवा परमेश्वर ने इसराइल की मदद कैसे की लड़ाई में? शहद की मक्खियां भेज दी। इसराइलियों ने एक टुकड़ी, एक के पास टैंक था, दुश्मन की फौजें आ रही थी, उन्होंने उस टैंक को तराई में बड़ी तेजी से घुमाया। यहोवा ने उसकी साउंड को एम्पलीफाई कर दिया। दुश्मन को लगा कि इसराइल के पास हजारों टैंक हैं और दुश्मन भाग खड़े हुए। एक भी लड़ाई इसराइल नहीं हारा है, क्योंकि उनकी लड़ाई कौन लड़ता है? यहोवा। लेकिन यहोवा इसराइल की लड़ाई तब लड़ता है जब इसराइल यहोवा के संग चलता है, जब इसराइल यहोवा की वाचा में जीवन जीता है। गीत गा सुनते हो ना आप, जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा, चुपचाप खड़े रहो, यहो निजात के काम देखो। ये तब गीत सच्चे होंगे अगर आपका जीवन प्रभु के संग सही है। अगर आपका जीवन पाप में है, अधर्म में है, और आप ये गीत गाते हो जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा, या आप गीत गाते चुपचाप खड़े रहो, तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपका जीवन वाचा में होना चाहिए, परमेश्वर की वाचा में। हालेलुया। तब परमेश्वर आपके दुश्मनों के संग युद्ध करेगा। वो एक मार्ग से आएंगे, 7 मार्गों से भाग जाएंगे। हालेलुया। सबसे बड़ा चिन्ह था यहूदियों का अपने देश में लौटना, इज़राइल का देश बन जाना। यरूशलम पांव के नीचे कुचला जाएगा जब तक का समय पूरा ना हो। यरूशलम इज़राइल ने ले लिया 1967 में। हम एंड टाइम्स के मुहाने पे पहुंच गए हैं। आप पढ़िएगा लूका 21:24, आप पढ़िएगा जकरिया 12, आप पढ़िएगा मत्तीस 23:39 और रोमियो 11 अध्याय। कैसे इसराइल वापस लौट रहा है, कैसे इसराइल फल फूल रहा और पनप रहा है, वो भविष्यवाणियां जो आज से 80 साल पहले लोग कभी यकीन नहीं कर सकते कि कर सकते थे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसराइल देश ही नहीं था, एक दिन में देश बना। एक एक वचन की भविष्यवाणी इसमें जो लिखी है ना भाई और बहनों, वो पूरी हो रही है आपकी और मेरी आंखों के आगे। वचन में लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों के 2 अध्याय में, जो शैतान है उसे मैन कहा गया, ही इज मैन ऑफ लॉलेसनेस। वो लॉ को नहीं मानता, यहोवा की विधियों को नहीं मानेगा। मत्ती 24 अध्याय में यीशु मसीह की भविष्यवाणियां,
पढ़िए रेवलेशन 13 पढ़िए, ही इज मैन ऑफ लॉलेसनेस। हालेलुया। और आपको मालूम बहुत से जूश लोग जो मैसियानिक जूज हैं वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि जूडस इस्करियट के जैसा होगा एंटी क्राइस्ट, यहूदा इस्करियोती के जैसा। हालेलुया। मैं आने वाले समय में एंटी क्राइस्ट की अलग अलग डायमेंशंस पे बाइबल में लिखा वो निमरोध सरीखा होगा। कुछ लोग मानते हैं ही बी निमरोध रेजरेक्टेड। हालेलुया। और मनन करेंगे अभी नहीं, मैं सीरीज में इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। ही विल बी निमरोध एंड ही विल बी जूडस इस्करियट, और इस्लाम और जुडेज्म की वास्ट नॉलेज वाला व्यक्ति होगा वो। और हो सकता है वो व्यक्ति इस समय पृथ्वी पे जीवित हो, आई डो नॉट नो, वी कुड बी वेरी वेरी क्लोज। अंत के दिनों के बहुत हो सकता है निकट, बहुत निकट हम बैठे हों। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, सरेंडर योर हार्ट्स टू जीसस, डू नॉट लिव इन सिन। इफ यू हैव हिडन सिंस इन योर लाइफ, क्विट देम, रिपेंट फॉर एवरी इनिक्विटी, एवरी सिन, एवरी ट्रेसपास एंड एवरी ट्रांसग्रेशन, रिपेंट एंड रिटर्न टू जीसस कंप्लीटली। यू हैव टू लिव ए होली, ए राइटियस, कॉन्सिक्रेटेड एंड सेट अपार्ट लाइफ फॉर जीसस, सो दैट जीसस में प्रिपेयर यू एज हिज ब्राइड। यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, उस दुल्हन को लेने आ रहा है जिसने अपने आप को तैयार किया है, उस दुल्हन को नहीं लेने आ रहा जिसने तैयार नहीं किया है। वो दुल्हन जिसके बदन की कुप्पी में ये कलाम का तेल, इस कलाम की रोशनी है, तेल भरा है और रोशनी जल रही है, उस जलाली तेजस्वी दुल्हन को जिसके झुर्रियां दाग और धब्बे नहीं है, उस दुल्हन को लेने आ रहा है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम एंड टाइम्स के ऊपर और मनन करेंगे। आज शाम को मेरे फ्रेंड केन सैंडबर्ग 7 बजे ऑनलाइन होंगे हमारे साथ। 7 o'clock, प्लीज प्लीज 7 o'clock जुड़ जाइएगा। 7 o'clock हम सब मिलके परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे, और उसके बाद आधा घंटा ब्रेक के बाद आधा घंटा हम प्रार्थना करेंगे, इंटरसेशन करेंगे। हालेलुया। मे द लॉर्ड गॉड ब्लेस रिचली। आप अपनी प्रार्थना विनतियां भी उस दौरान दीजिएगा जब हम प्रार्थना करेंगे। उस सेशन के बाद वी विल बी प्रेइंग एंड इंटरसीडिंग, प्रार्थना करेंगे प्रभु के सन्मुख। हालेलुया। तो प्लीज 7 o'clock वापस लौटिएगा। द लॉर्ड जीसस ब्लेस यू रिचली। आमीन।